और एक बार बोलो महादेव। निर्भय हो मनारे प्रचंड स्वामी बपाटी चीरे अतर्क अवधूत है। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर विद जय गुरुदेव में आपका स्वागत है। आज इतिहास में पहली बार दर्शकों की मांग से हिंदी में आपको गिरना परिक्रमा की जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाना। भारत के गुजरात प्रदेश में सौराष्ट्र प्रांत के जूनागढ़ शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक भव्य और दिव्य पर्वत गिरनार विराजमान है। गिरनार पर्वत की 5वीं चोटी को गुरु शिखर के नाम से पहचाना जाता है। यह भगवान दत्तात्रेय जी की चरण पादुका है, जिसके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आकर गिरनार का दर्शन करते हैं। इस गिरी नारायण यानी गिरनार ने भगवान शंकर के पास वरदान मांगा था कि मेरे इस पर्वत पर 33 कोटि देवताओं, सिद्धों और संतों का निवास होना चाहिए। भगवान शंकर ने इनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान दिया, इसलिए गिरनार परिक्रमा दत्त पादुका दर्शन, दत्त धुना दर्शन, अन्न क्षेत्र का प्रसाद लेना उसे अलौकिक पुण्य कर्म माना जाता है। इस गिरनार पर माता पिता की आज्ञा अनुसार भगवान दत्तात्रेय जी ने 12,000 वर्षों तक तपस्या की। इस कठोर तपश्चर्या के पश्चात जिस जगह पर आज स्वयंभू चरण पादुका है, उस स्थान पर वह आकर से निराकार हुए, सगुण से निर्गुण हुए। भगवान दत्तात्रेय जी जब गिरनार पर तपश्चर्या कर रहे थे, तब एक भीषण अकाल पड़ा और सामान्य जीव जंतुओं को पीड़ा देखकर दत्त माता सती अनुसया ने दत्त भगवान को इस अकाल का निराकरण करने को कहा। तब भगवान दत्तात्रेय जी ने अपनी तपश्चर्या के अवस्था से जागृत होकर अपने हाथ के कमंडल को पत्थर पे मारा और गंगा जी और दूसरे जगह पे अग्नि प्रज्वलित की। यही स्थान को कमंडल कुंड और दत्त अग्नि कहते हैं। उस स्थान को भगवान दत्तात्रेय जी का अक्षय निवास स्थान एवं दत्तात्रेय धुना के नाम से जाना जाता है। भारत में तीर्थस्थान की परिक्रमा बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। माना जाता है कि गिरनार हिमालय से भी पुराना है और हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र पर्वत है। गिरनार के घने जंगल में लगभग 36 किलोमीटर लंबी गिरनार परिक्रमा है और हर साल कार्तिक महीने में होती है। गिरनार जूनागढ़ में आयोजित लीली परिक्रमा के इस भव्य आयोजन में भारत भर से 10 लाख से अधिक भक्त हिस्सा लेते हैं। गिरनार पर्वत के दाहिने हाथ की तरफ से की जाने वाली परिक्रमा को गिरनार परिक्रमा कहते हैं। यह परिक्रमा कार्तिकी एकादशी से कार्तिकी पूर्णिमा के 5 दिनों में करते हैं। परिक्रमा का मार्ग जंगल से गुजरता है। कई जंगली प्राणियों का वास होते हुए भी दत्त कृपा से आज तक लाखों भक्तों ने निर्विघ्न यात्रा पूर्ण की है। यह यात्रा दत्त चरण पादुका, दत्त धुना तथा अन्न क्षेत्र के प्रसाद ग्रहण करके ही पूर्ण होती है। भारत में जितने भी दत्तावतार हुए उन्हें भगवान दत्तात्रेय जी ने इसी स्थान पर दर्शन दिए हैं, जो इस सिद्ध भूमि का महत्व प्रतिपादित करता है। परिक्रमा के दौरान बहुत सारे अन्न क्षेत्र आपको मिलेंगे।
इस अन्न क्षेत्र का लाभ उठाते हुए हम जीना बाबा की मड़ी की तरफ चल दिए। यह सामने जो आपको दिख रहा है वो जीना बाबा की मड़ी है। अब आइए एक महाराज से मिलके उसकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार महाराज। नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए प्लीज। शंभुपुरी बलरामपुरी, मैं यहाँ का लघु महंत हूँ जीना बाबा मड़ी का। और जीना बाबा मड़ी का जो चलम है, चिलम का महत्व ये है कि जीना बाबा और साधु संत यहाँ इस चिलम को पीते थे। मतलब जैसे अपने आजकल चिलम पीते सब साधु, ऐसे ये चिलम पीते थे। अच्छा, तो कई बार ऐसे साधु संतों ने इस चिलम से मस्ती की जीना बाबा, क्योंकि आज जीना बाबा बहुत बॉडी में थे और बोल रहे थे कि भाई जीना बाबा आपका नाम जाड़ा बाबा होना चाहिए। अच्छा, तो जीना बाबा ने कहा कि भाई कभी ऐसा समय आएगा तो मैं इसका प्रमाण दूंगा कि नहीं मैं जीना हूँ, मेरा नाम है ऐसा ही मैं हूँ। तो वक्त चलते चलते ऐसे फिर से ऐसा समय आया कि जो ही साधु संत जो इसकी मस्करी करते थे जैसे साधु में, तो ऐसे हुआ। तो महाराज जी जो जीना बाबा थे वो समय आया तो ऐसे सब बैठे थे साधु संत और चिलम चल रही थी, तो उस चिलम के अंदर से सब सामान गांजा उसका कुकरी सब निकाल के जीना बाबा जय गिरनारी बोल के वो चिलम के अंदर से पसार होकर निकल गए। वही ये चिलम है। और तब ऐसा कहा जाता है और हमने हमारे गुरुओं से सुना है कि तब स्वयं दत्त महाराज उसकी परीक्षा लेने आए थे साधु के रूप में। और जो मस्करी हो रही थी तब उसके दत्त महाराज के शिष्य सागरगढ़ महाराज भी यहाँ विराजमान थे जीना बाबा मड़ी पे। वही चिलम है और वही का महत्व है ये परिक्रमा। ओके, उसमें से प्रसार हुए थे, मतलब क्या हुआ था? उसमें से पास हुए थे, पास हुए थे, अंदर से पास हुए थे। तो ये अभी चिलम है? जी वही चिलम है, वही जो देख लेते। चिलम के दर्शन के बाद आइए अब बाजू में स्थित धुनी के दर्शन कर लेते हैं। आइए अब जो वो जगह देखते हैं जहाँ पे दत्त महाराज ने जिन्ना बाबा को दर्शन दिए थे। चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अब रामनाथ महादेव मंदिर जाके महादेव के दर्शन करते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं वो रामनाथ महादेव है। गिरनार परिक्रमा भवनाथ की तलेटी में स्थित दुधेश्वर महादेव के मंदिर से शुरू होकर घने जंगलों से होकर गुजरती है। बीच में सागौन, बांस के जंगल, बहते झरने और उबर खाबर तीन पहाड़ पाए जाते हैं। 36 किलोमीटर लंबे इस परिक्रमा में कई मंदिर है, जिसमें जीना बाबानी मड़ी, मालवेला, सूरज कुंड, सरखड़िया हनुमान, बोर देवी, खोड़ियार माता और अंत में भवनाथ मंदिर होकर परिक्रमा समाप्त होती है।
हम अभी 2 दिन की परिक्रमा कर रहे हैं और आपको ये जो सामने जो मंदिर दिख रहा है वो मार्वेला में स्थित है। जब भी हम यहाँ पे पहुँचे तभी पहले से ही बहुत सारे लोगों ने अपनी जगह स्थापित कर ली थी। आज रात यहाँ पे हम मार्वेला में रुक के सुबह 2रे दिन की परिक्रमा चालू करने वाले हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। भैया जी, अभी सब दर्शकों आपको देख रहे हैं, आप दर्शकों को बताइए आप क्या क्या नाश्ते में देते हो। नाश्ते में चाय है, बिस्किट है और भुंगरा बटेटा है और सब्जी है, रोटली है, बाजरे का रोटला है, चाय भी है। चाय भी है ना, ठीक है। और चाय गर्मा गर्म आलू मसाला वाला है, बस ठीक है। अभी मुझे एक बात बताइए, आपका मोबाइल नंबर दीजिए ताकि दर्शक आपके पास आ पाए। मेरा मोबाइल नंबर है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश है, सुरेश वाघेला, मैं जेतपुर का रहने वाला हूँ, राजकोट के पास। और मेरा नंबर है 97-44-5375। वो पापा का नंबर में बता सकते हैं नंबर हिंदी में? हाँ, 82-000-66-82-000-66-44-44। इंग्लिश? इंग्लिश, ठीक है। चलो, 2रे दिन सुबह हम उठ के अपने परिक्रमा के मार्ग से चल दिए। यहाँ से हम आए थे और इस ओर हम लोग को जाना है। दूसरे दिन नल पानी की घोड़ी पार करने के बाद हम आगे बढ़ते रहे। वो खोल के दिखाइए अभी उनको, दर्शकों को। दूसरा, ओ जबरदस्त। तो अभी एक बताइए, इसको क्या बोलते हैं? इसको लीला पिस्ता बोलते हैं। कौन सा पिस्ता? लीला पिस्ता। लीला पिस्ता, और ये क्या है, कहाँ से आता है? ये फ्रूट है, ड्राईफ्रूट में आता है, वनस्पति बोलते हैं इसको। वनस्पति बोलते हैं। ये मोतीबाग एग्रीकल्चर जूनागढ़ फार्म में से आता है। जूनागढ़ फार्म में से, एग्रीकल्चर फार्म में से आता है। तो ये इसका कौन से मंथ में आता है? ये सिर्फ नवंबर दिसंबर या ऐसे कितने मंथ? 2 महीना ही आता है। दो महीने में नवंबर दिसंबर, दो महीना आता है इसका। अभी ये फ्रूट कितने में बेच रहे हो आप? ये 10 रुपीज में बेच रहा हूँ, 10 रुपीज का एक। और इसमें कितना निकलता है ये सीड्स? एक में से 15 से 20 नंग निकलता है। 15 से 20 है, ओके ओके। ओ, ये छिलका निकालना पड़ता है ऐसे। खोबरा, एकदम खोबरा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी कच्चा है या ये ऐसे ही रहता है? नहीं, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही अगर ये रह जाता है तो पक जाता है। हाँ, उससे ये अभी आप जो खा रहे हो, हाँ, वो पोचा दिख रहा है, फिर ये अगर रखोगे तो कड़क हो जाएगा। अभी ये जो सामने आपको दिख रहा है वो दाहिने और भवनाथ मंदिर और बाईने और बोर देवी का मंदिर लगता है। अभी हम पहले बोर देवी का दर्शन करके आते हैं। जय भोला बाबा, जय भोला, जय भोला।
देवी जाते समय आपको बहुत सारे मसालों के ठेले आपको बीच में लगेंगे। यह जो सामने दिख रहा है वो बोर देवी का मंदिर है। बोर देवी का दर्शन करने के बाद यहाँ पे राम नारायण दास एक महाराज मिले हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आप थोड़ा सा परिक्रमा के बारे में और बोर देवी के बारे में दर्शकों को बताइए। हाँ, गिरनार परिक्रमा की जो विशेषता है वो गिरनार की मूल जो है 36 किलोमीटर की प्रदक्षिणा होती है। बराबर। उसमें कृष्ण भगवान ने यादव कुटुंब को लेकर या तो 36 करोड़ देवताओं को लेके ऊपर से फूलों की वर्षा बरसाई जब परिक्रमा भगवान कर रहे थे, सुभद्रा जी, कृष्ण भगवान, पांच पांडव, तो देवताओं ने फूलों की वर्षा बरसाई प्रदक्षिणा में और स्वर्ग जैसा माहौल बन गया। लंगर चल रहे हैं प्रसाद का, छोटी छोटी दुकानें हैं, व्यापारी लोग अपने कमाने के लिए आ जाते हैं रोजी रोटी के लिए, तो उसे भी मिल जाता है प्रसाद पाने के लिए भी अन्य क्षेत्र सब जगह लगता है लंगर। तो आज किसी को भी इस प्रदक्षिणा में न तो सांप काटता है न बिच्छू, आज तक किसी ने शेर ने भी उसको काटा नहीं है। बराबर। शेर चित्ता यानी कि अन्य प्राणी जंगल के बराबर सब उसका स्वागत। ये दत्त महाराज की कृपा नहीं है तो क्या है। आज मानव अपना सब धंधा छोड़ के बरकती लेने के लिए आते हैं, पुण्य कमाने के लिए आते हैं, तो भगवान जिसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। तो आज तक अभी तक ऐसा हमने नहीं देखा है कि शेर ने किसी को पकड़ लिया हो, दीपड़ा ने पकड़ लिया हो, चीता ने पकड़ लिया हो, ऐसा कभी नहीं। और बोरदेवी माता का जो मंदिर है, जो सानिध्य है, बहन सुभद्रा जी का लग्न अर्जुन के साथ किया, हरण करवा के बेर के पेड़ के नीचे जंगल में प्रदक्षिणा करके इसका महात्म्य बढ़ाने के लिए और यहाँ शादी किया। भगवती माँ जगदम्बा महिषासुर मर्दनी है, तो जगत की माता है, तो उसके पास सबको आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा क्योंकि जगत की माता है। बेर के पेड़ के नीचे अर्जुन का शादी हुआ बहन सुभद्रा जी का। क्यों हुई कि दुराचार जो था उसके साथ शादी हो जाएगी तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसलिए भगवान ने उसका हरण करवाया और ये गिरनार क्षेत्र में प्रदक्षिणा करके आखिर में माँ जगदम्बा के सानिध्य में आशीर्वाद माने स्वयं प्रकट होके दिया। ओ, अच्छा। क्योंकि स्वयं त्रिलोकनाथ आए, विष्णु भगवान उसका अवतार है कृष्ण भगवान। गुरु शिखर के बारे में बताइए। जो गिरनार जो मूल है, मूलभूत स्वरूप, वो शिव स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की प्रक्रिया शिव स्वरूप में बदल जाती है। और प्रवास क्षेत्र सौराष्ट्र प्रांत प्रथम ज्योतिर्लिंगम ये प्रत्यक्ष है। पहले गजानंद जी है, स्वयंभू है, क्या है पांचों छह मूर्ति जो है वो स्वयं प्रकाशित पत्थरों में से उत्पन्न हुई है। तो पहली मूर्ति जो है गजानंद जी की निकलती है, दूसरी है माँ भगवती की शिव जी के साथ, तीसरी शिव जी की कि जो स्वयं प्रकट है, किसी ने उसकी प्रतिष्ठा नहीं किया स्वयं, ये सारी फिर
कछुआ है, कछुआ है, फिर नंदी है, नंदी है, नंदी के बाद शेर है। एक देखने का भी यह है कि जो हम जगमोहन में जितना कछुआ का गैप रहता है शिव मंदिर में, शिव मंदिर में उतना ही है। ओ, अच्छा। और नंदी का स्वरूप जितना हम नंदी को गैप रखते हैं उतना ही स्वरूप है, उसी के ऊपर से पूरे पूरे विश्व में शिवलिंग की यही प्रथा है कि भाई इसके ऊपर से पूरे विश्व में शिव मंदिरों में जितना गैप है ये गिरनार क्षेत्र में हमने प्रत्यक्ष देखा और भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हमने हमें दर्शन दिया तो हम उसके आभारी हैं और उसके ऋणी भी हैं। और गिरनार क्षेत्र में हमें रहने का मिला ये हमारा सौभाग्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। धन्यवाद महाराज जी। परिक्रमा के दौरान हमें एक बाल शंकर मिले है। हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। और एक बार, और एक बार बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। परिक्रमे में आपको खोडियार माता का मंदिर लेगा। पूर्ण करता जाओ माँ जगदम्बा भेड़िया वाली खोडियार तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। खोडियार माता के मंदिर से आगे आने के बाद आपको गिरनार शिखर सामने दिखने लगेगा। यहाँ पे अगर ठीक से देखा जाए तो ऊपर से उड़न खटोला जो रोपवे बनाया गया है वो हमको दिख सकता है। सामने जो आपको गेट दिख रहा है वो परिक्रमा का अंतिम स्थान है। यहाँ से गेट से बाहर आने के बाद परिक्रमा यहाँ पे समाप्त होती है। दाहिने ओर आपने देखा जाए तो गुरु शिखर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ शुरुआत होती है। यहाँ पे परिक्रमा का अंतिम स्थान है। चलो आइए यहाँ से दत्त महाराज को हम वंदन करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सबको शेयर कीजिए और चैनल अगर अच्छा लगा हो तो एक्सप्लोर विद जय गुरुदेव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।